साथियों, स्वागत है आपका टीजीटीपी आर्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ अमरीश शुक्ला और आप देख रहे हैं स्मार्ट रिवीजन। सुबह के बज गए हैं 8, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्मार्ट रिवीजन। और दोस्तों, मैं कहता रहता हूँ कि ये रिवीजन है, अगर आपको संपूर्ण तैयारी कला की करनी है तो आपको कला की थ्योरी पढ़नी चाहिए। ये बात मैंने कई बार आपको बताई है, फिर दोहरा रहा हूँ। और अगर कला की थ्योरी आपको पढ़नी है तो आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप जो है खुद से सेल्फ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है ना। मेरे से अगर पढ़ना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 8276 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा मेरे ऐप का लिंक, वहाँ से भी जाकर के आप कोर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट आपको वहाँ पर फ्री में मिलते हैं, तो जो वीडियो क्लास होती है उसको फ्री में वहाँ पर दिया जाता है, जो पीडीएफ यहाँ पर आप देखते हैं इसको भी वहाँ पर फ्री में दिया जाता है। तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है किस पर? सवाल नंबर एक है, मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है कपड़े पर, कागज पर, लकड़ी के पैनल पर या ताम्र शीट पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपड़े पर। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मुगल ग्रंथ किस पर चित्रित है? कपड़े पर। आगे देखेंगे, मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था। मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था किसके लिए? सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी के लिए, कागज का निर्माण के लिए, रेशम के वस्त्र के निर्माण के लिए, तूलिका और रंगों के निर्माण के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर नहीं पता ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। सियालकोट जो है ये कागज निर्माण के लिए जाना जाता था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चित्रण तकनीक जहाँ पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों के सतह पर लगाया जाता है वह है? चित्रण तकनीक जहाँ पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों को सतह पर लगाया जाता है वह क्या है? ऑप्शन ये है वास, ऑप्शन बी है ग्लेजिंग, ऑप्शन सी है इम्पेस्टो और ऑप्शन डी है एंटीनाको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इम्पेस्टो। चलिए आगे देखते हैं, एक चित्र में परिदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? एक चित्र में परिदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? अंतराल, विभक्ति काल, छाया का प्रभाव, रेखीय परिपेक्ष या वायवीय परिपेक्ष? क्वेश्चन नंबर 4 में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है? पूछ रहा है कि परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इसका सही आंसर अगर नहीं पता ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए, छाया प्रभाव, ठीक है ना। तो परदाज का प्रयोग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है परदाज के प्रयोग का? छाया प्रभाव। आगे देखेंगे, मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम तकनीक किस काल में आरंभ हुई? मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम तकनीक किस काल में प्रारंभ हुई? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में या औरंगजेब के काल में? अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। तो स्याह कलम शाहजहां, ऐसे राइम कर रहा है ना, ऐसे याद कर लीजिए, शाहजहां स्याह कलम, शाहजहां स्याह कलम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्याह कलम जो है शाहजहां के टाइम का है। आगे देखेंगे, दृश्य कलाओं का संबंध है, दृश्य कलाओं का संबंध है रूपात्मक तत्व से, अभिनय से, संगीतात्मक ध्वनि से या शब्द से? तो दृश्य कलाओं का संबंध किस में है? अभिनय को आप जो है देखते हैं, संगीत को आप सुनते हैं, शब्द को आप पढ़ते हैं और रूप जो है वो भी आप देखते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो अभिनय वाला जो तत्व है ना, आप अभिनय में किसी अभिनेता के चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन अभिनय को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन दे रहा है। तो इस प्रकार रूपात्मक तत्व जो है यहाँ पर दृश्य कलाओं के संबंध में सही हो जाएगा, ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टैको मिश्रण है, रेत प्लस कंक्रीट प्लस चूना प्लस पानी या रेत कंक्रीट चिकनी मिट्टी पानी, सिरेमिक पाउडर चिकनी मिट्टी चूना प्लस पानी, जिप्सम पाउडर रेत प्लस चूना प्लस तेल? इसमें कौन सा जो है स्टैको मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा, रेत प्लस कंक्रीट प्लस चूना प्लस पानी। आगे देखेंगे, पोले सांचे से मोम द्वारा धातु निर्मित की ढलाई की प्रविधि के सही क्रम को पहचानिए। सबसे पहले मोल्ड बनाना, रनर्स फिक्स करना, मोल्ड की फायरिंग, फिर कोर को भरना, ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन बी है कोर को भरना, रनर्स फिक्स करना, मोल्ड बनाना, मोल्ड की फायरिंग।
रनर्स फिक्स करना, कोर भरना, मोल्ड की फायरिंग, मोल्ड बनाना, मोल्ड की फायरिंग और मोल्ड। अब इसमें पूछ रहा है कि सही तरीका क्या है, किस किन किन विधियों से जो है ढलाई की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कोर को भरना, रनर्स फिक्स करना, मोल्ड बनाना और मोल्ड की फायरिंग करना। चलिए आगे देखते हैं, राजा रवि वर्मा के चित्रों से निर्मित हुए हैं ऑफसेट प्रिंट्स, ओलियोग्राफ्स, लिथोग्राफ्स या मोनोप्रिंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओलियोग्राफ्स। गुप्तकालीन सारनाथ के मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से निर्मित हैं, गुप्तकालीन सारनाथ के मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से निर्मित हैं, ग्रेनाइट, सफ़ेद संगमरमर, चूनार का बलुआ प्रस्तर या लाल बलुआ प्रस्तर। सही आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हाँ आप सभी लोग आखिरी में बताया करिए कि आपके कितने सही हुए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चुनार का बलुआ पत्थर। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है कांस से, सेलखड़ी पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से या पकाई गई मिट्टी से। तो जो वो दाढ़ी वाला एक पुरुष प्राप्त हुआ है, जो कि पुजारी जैसा प्रतीत हो रहा है, वो किससे उसकी प्रतिमा को बनाया गया है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सेलखड़ी पत्थर से उसको बनाया गया है। आगे देखेंगे, भारत में वास चित्रण पद्धति कहाँ से आई, चीन से, जापान से, इंडोनेशिया से या श्रीलंका से। बहुत बढ़िया सवाल है, भारत में वास पद्धति कहाँ से आई। तो आप जानते हैं कि वास का जो है बोलबाला चीन और जापान दोनों में था, और इन दोनों के कलाकारों का भारत से संबंध भी ठीक ठाक था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में वास चित्रण पद्धति कहाँ से आई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत संबंधित है, रूप का आयतन, रूप का घनत्व, संयोजनगत परिपेक्ष या संयोजनगत अनुपात। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, संयोजनगत अनुपात। ठीक है ना, आगे देखते हैं, फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट पेस्टल चित्रण, तैल पेस्टल चित्रण, टेम्परा रंग चित्रण, जल रंग चित्रण। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट पेस्टल चित्रण। तो फिक्सेटिव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सॉफ्ट और पिस्टल चित्रण के लिए किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, वसली चित्रण हेतु एक धरातल है, इसका सही विकल्प आपको चुनना है, भित्ति पर चित्रण, शिला पर चित्रण, ताड़पत्र पर चित्रण या कागज पर चित्रण। तो वसली चित्रण हेतु धरातल कैसा होता है, भित्ति होता है या शिला होता है या ताड़पत्र होता है या कागज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कागज। रंग जो पानी में घुलनशील है किंतु सूखने के पश्चात जलरोधक हो जाते हैं, तैल रंग, एक्रिलिक रंग, टेम्परा रंग या जल रंग। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एक्रिलिक रंग। ठीक है ना, आगे देखते हैं, जल रंग चित्र सामान्यतया प्रभावयुक्त दिखाई देते हैं, गाढ़े रंग का आघात, तैलीय चमकयुक्त, पारभासी प्रभावयुक्त, अपारदर्शी प्रभावयुक्त। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पारभासी प्रभावयुक्त। आगे देखेंगे, सांची स्तूप की दीवार के पैनल अलंकृत हैं फ्रेस्को चित्रण, थोड़ी उभरी हुई नक्काशी से, मूर्ति शिल्प से या डूबी हुई नक्काशी से। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, थोड़ी उभरी हुई नक्काशी। एक खनिज लेपिस लाजुली मूल्यवान पत्थर किस लिए काम आता है, एक देखते हैं, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, परमारों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा या प्रतिहारों के द्वारा। तो इस सवाल का आंसर आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए, राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। और जिन सवालों का उत्तर आपको पता हो आप सबको वो कमेंट बॉक्स में लिखना है,
और यही नहीं, जब ये समाप्त हो जाए तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमारे इतने प्रश्न सही हुए। देखिए ये जो चीज़ चल रही है ये टू वे है, वन वे नहीं है, इसमें मैं हूँ और आप हैं। तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कंटेंट को बनाने में, अब जब आपका उसी प्रकार से रिप्लाई आएगा तो बहुत आनंद आएगा, मैं और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देखें अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो अपना राय दे करके जाएँ, ठीक है ना। दूसरा सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है, निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है, रेखीय गुण, पोत, तान या बिंदु, स्केच में आपको क्या देखने को मिलता है। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहा है। तो स्केच का मतलब क्या होता है कि आप देखते हैं कि स्केच में कोई रंग नहीं भरा जाता है, सीधे सीधे लोग पेंसिल उठाते हैं और स्केच बनाना चाहिए, हालांकि पेन से भी लोग स्केच बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, रेखीय गुण ही केवल आपको देखने को मिलता है, तान पोत बिंदु ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रेखीय गुण। अगला हमारा सवाल है, अंतराल डॉट 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 को कहते हैं, अब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है और आपको बताना है कि अंतराल को क्या कहते हैं, पोत, रंग, क्षेत्र या तान। तो जैसे कि यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो जाता है, अब पोत, रंग और तान तो इसमें हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर क्षेत्र ही सही होगा, और क्षेत्र ही जो है अंतराल कहलाता है, अंतराल को क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि स्पेस जो होता है उसको कहा जाता है, तो अंतराल को क्षेत्र कहा जाता है कला में, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष या पर जो है पराकाष्ठा पर पहुंची। अब ये सवाल का आंसर भी आप सबको पता होगा, खासकर जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहाड़ी कला पढ़ लिया, मेरे दोनों बैच के स्टूडेंट ने पढ़ लिया है, तो फटाक से बिना सोचे समझे फटाक से उत्तर इसका कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि थ्योरी अगर आप पढ़ के रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी सवालों का आंसर कर पाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संसार चंद के टाइम पर जो कांगड़ा शैली है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है ना। और संसार चंद बहुत बड़े राजा थे, कला संरक्षक थे, जो ओहदा आप कह सकते हैं कि मुगल काल में जहांगीर का है, पहाड़ी चित्रकला शैली में जो है राजा संसार चंद का है। आगे देखेंगे, महाराजा डाट 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 इतने से इतने के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। अब ये किस शासक की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो बीकानेरी शैली है ये राजस्थानी शैली की उप शैली है। तो पूछ रहा है कि किस बीकानेरी शैली के शासक के टाइम पर मुगल प्रभाव कम हो गया था और मारवाड़ शैली का प्रभाव बढ़ गया था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ये है अनूप सिंह, ऑप्शन बी है गज सिंह, ऑप्शन सी है राव राय सिंह और ऑप्शन डी है राजा केसरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गज सिंह, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप याद करिए, क्या जो श्लोक मैंने आपको बताया था, रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति कला षडंगम। तो मैं कहता हूँ ये श्लोक आप हमेशा याद रखिए तो आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आएंगी। अब जो वर्ण को, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, तो रंग को लेकर के किस बात का जो किस शब्द का प्रयोग जो है आपके षडंग में किया गया है। जो यशोधर पंडित ने जयमंगला लिखा एक जो टीका है कामसूत्र में, उस षडंग में रंग को, वर्ण को क्या कहा गया है, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग या प्रमाण। तो ये बहुत ही सिंपल, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, नाम से भी स्पष्ट है वर्णिका भंग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए, डॉक्टर आनंद केटिस कुमार स्वामी, मुल्कराज आनंद, केशव मलिक, दिया देवी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी, बहुत बड़े कला समीक्षक और कला को एक नया मुकाम, एक नई पहचान देने में, खासकर भारतीय कला को आनंद कुमार स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, जिस पर पूरी की पूरी राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली को समझा जा सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशता किया गया डाट 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 किससे किया गया है, ग्रेनाइट से, कोटा पत्थर से, संगमरमर से या बलुआ पत्थर से,
ये तो बहुत ही सिंपल है, जिन्होंने फ़ोटो में भी ताजमहल को देखा है वो इस बात को जानते होंगे, ठीक है ना। तो ताजमहल का निर्माण किससे किया गया है, संगमरमर से किया गया है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी डॉट 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 द्वारा बनाया गया। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया है, नंदलाल बोस, अनुपम सूद, ज्योति भट्ट या जनकी राम, किस कलाकार ने इसको बनाया है, क्वेश्चन नंबर 9। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ज्योति भट्ट, ठीक है ना। आगे देखेंगे, लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं, लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं, मौर्य काल की, सुंग काल की, सातवाहन काल की या सिंधु घाटी काल की। ये तो सिंधु घाटी सिंपल है मेरे स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ किसको फोड़ देंगे, अगर ऐसा पेपर उनको मिल जाए ना तो वो, अगर ये 100 प्रश्न हैं KBS के, तो कम से कम वो 95-96 क्वेश्चन सही करेंगे। इस प्रकार की मैंने तैयारी करवाई, एकदम पेपर के खोपड़ी में छेद कर देंगे। ऐसी मैं देख रहा हूँ कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो उनको ना पढ़ाया गया और जिस पर ज़्यादा जोर ना दिया गया हो। तो बहुत ही सिंपल पेपर है, ऐसे ही पेपर TGT में भी आता है। और इस बार मैं ये चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट 118 से लेकर के 122 तक अपना प्रश्न सही करे, ताकि जो है कटाप वटाप सोचना ही ना रहे, बस पेपर दे लिया और अब सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी की मोहरों में, सिंधु घाटी की मूर्तियों में, सिंधु घाटी के मृदभांड पर या सिंधु घाटी की चित्रकला पर, यूनिकॉर्न छवि हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सिंधु घाटी की मोहरों पर। रंग क्या होता है, अगला सवाल है रंग क्या होता है, पोत का गुण, प्रकाश का गुण, रेखा का गुण या प्रभाविता का गुण। तो आप जानते हैं कि किसी चीज़ का कोई रंग नहीं होता है, जिस प्रकार का प्रकाश वो धरातल अवशोषित करता है वही उसका रंग हो जाता है। तो इसलिए रंग जो है वो किसका गुण है, ये प्रकाश का गुण है। रंग किसका गुण है, प्रकाश का गुण है। जैसे ही प्रकाश हटता है हर चीज़ क्या हो जाती है, आपको काली नज़र आती है। आप रात में देखिए कोई चीज़ आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी क्योंकि प्रकाश नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप प्रकाश देते हैं, चाहे वो लालटेन से दें, टार्च से दें या किसी बल्ब से दें, फिर उस वस्तु का प्रकाश आपको दिखने लगता है, सॉरी उस वस्तु का रंग आपको दिखने लगता है। तो इसका मतलब रंग का जो गुण है वो किससे है, प्रकाश से। तो ये प्रकाश का एक गुण है, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली। तो लघु चित्र शैली की परंपरा का कालखंड आपसे पूछ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। 8वीं से 17वीं शताब्दी, 10वीं से 18वीं शताब्दी, 9वीं से 19वीं शताब्दी, 11वीं से 20वीं शताब्दी तक। तो लघु चित्र शैली की जो परंपरा है वो कब फली फूली, ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 8वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है ना। 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में लघु चित्र कला शैली जो है ये खूब फली फूली। अब इसमें आप चाहे जैन चित्रकला शैली को देखें, इसमें आप बौद्ध चित्रकला शैली को देखें, इसमें आप चाहे मुगलिया चित्रकला शैली को देखें, आपको पर्याप्त रूप से लघु चित्रकला शैली देखने को मिलता ही मिलता है। आगे देखते हैं, के हेबर के द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है, गपशप, विकर्ण, कविता का जन्म या तीन लड़कियां। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा के हेबर का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकर्ण, ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कला से संबंध नहीं है, निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कला से संबंध नहीं है, रेखा का, स्वर का, वर्ण का या अंतराल का। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो कर लेगा। स्वर का रूप से कोई संबंध नहीं है, कोई गायक सुर लगाता है तो आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, वो विजुअल आर्ट में आ ही नहीं सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तीनों, रेखा, अंतराल, वर्ण, ये क्या है, रूपप्रद कला से संबंधित हैं। स्वर यहाँ पर इससे संबंधित नहीं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आप लोग लाइक करते रहिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ते रहिए। ये बात मैं बार बार आपसे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आप सभी लोग अपना बात नहीं रखते हैं। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, भाव, प्रमाण, वणिका भंग या लावण्य योजना। अनुपात के लिए, रेशियो के लिए,
किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किसमें? षडंग में। वही रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति कला षडंगकम। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपको भी याद हो जाए, मुझे तो याद ही है। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, प्रमाण। तो अनुपात बराबर प्रमाण, ठीक है ना, ऐसे ऐसे याद करिए, अनुपात बराबर प्रमाण। ऐसे सवाल TGT में आपसे पूछे जाते हैं और आप भना भन उसको सही करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, कला अध्यापक बन सकते हैं। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। तो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए हैं, ये लघु चित्र किसने बनाया है? उस्ताद मंसूर ने, अबुल हसन ने, मनोहर ने या उस्ताद मीर हासिम ने? ये चित्र किसने बनाया है? मुगल शैली से ये सवाल है और ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। अबुल हसन ने इस चित्र को बनाया है, आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे। आगे देखेंगे, मोहन जोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें डाट 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 की आकृतियों को दर्शाती हैं। तो जो पशुपति की मोहर है वो किसको दर्शाती है? पशुओं से घिरे हुए एक योगी का शिव, खड़ी हुई पुरुषाकृति, ब्राह्मणी विषव या जानवरों की आकृति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुओं से घिरे हुए योगी का जो है एक शिव जैसा रूप दिखाया गया है। और इसको पशुपति या जो है कहा किसने था? जॉन मार्शल ने जो है इस उसको मोहर को पशुपति कहा था, ठीक है ना, और कई लोगों के कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही जब खुदाई हड़प्पा की गई तो उस वक्त जॉन मार्शल जो है वो SI के अध्यक्ष हुआ करते थे और दयाराम साहनी को काम सौंपा गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम डाट 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 की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। तो राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें डाट 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 की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। शेख सादी माधोदास द्वारा चित्रित रागमाला, बिलहन द्वारा रचित चोर पंचासिका या केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया? तो यहाँ पर बिलहन लिखा हुआ है या आपको बिलहण भी लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों का मतलब एक ही, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। और 19 को सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिलहण द्वारा रचित चोर पंचासिका। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार या त्रिभुजाकार? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारतीय केसरिया रंग डाट 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 किसका प्रतीक है? खतरा या शंका का, ये तो रेड कलर होता है, और साहस और बलिदान का, युद्ध और बुराई का, उष्णता और उज्ज्वलता का? तो यहाँ पर सही आंसर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, साहस और बलिदान। आगे देखेंगे, एक कथन आपको दिया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। दैट इज ट्रू, ये बात सही है। कारण कह रहा है कि भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए जो है प्रतीकात्मक स्वरूप रही हैं। अब इसमें आपको बताना है कि सही आंसर क्या है, क्या ये दोनों बात ठीक है या दोनों बातों का कोई संबंध भी बन पा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है पहली बात तो एकदम स्पष्ट है, ये ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है योगदान करने के लिए जब बंगाल विभाजन अंग्रेज कर रहे थे उस वक्त भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। लेकिन भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हालांकि जब भारत माता का चित्र एक बार बना दिया गया उसके बाद में लोगों की आस्था उसमें ज़रूर थी, एक आइडिया ऑफ इंडिया तो प्रकट कर ही दिया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ये यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये कथन सही है और आर भी जो है आपको यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। तो आर भी सही है और ए भी सही है, यानी कि दोनों भी बात सही है। यहाँ पर भारत माता का जो चित्र है वो एक तरीके से क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक भी लोग मानने लगे थे अपनी आस्थाओं में। उस तरीके से कभी बात खुल करके नहीं आती थी लेकिन लोग मानने लगे थे। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई? DP राय चौधरी, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर या जानकी राम? किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जानकी राम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सबसे विशाल काय शिला कट मंदिर भारत में है डाट 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 कहाँ पर है? तो महाबलीपुरम में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है या कोणार्क में है?
तो ये बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर बहुत विशाल विशाल मंदिर बनाए गए हैं शिलाओं को काट करके, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डाट 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 स्थापना की थी, कला विद्यालय की, प्रिंटिंग प्रेस की, कला वेदिका की या आर्ट स्टूडियो की? तो सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने किस चीज़ की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग प्रेस। तो उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। आगे देखेंगे, मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली, जो कि तबरेज का रहने वाला था, तबरेज कहाँ पर है? ईरान में, के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, फारूक बेग, मोहम्मद हुसैन या बेहजाद? तो जो मीर सैयद अली हैं, इनके गुरु कौन थे, इनके उस्ताद कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, बेहजाद, ठीक है ना। किस महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? राज सिंह, बीरद सिंह, कल्याण सिंह या सावंत सिंह? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा राजस्थानी लघु चित्र शैली किशनगढ़ शैली किसके टाइम पर जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल TGT में पूछे गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सावंत सिंह। एलोरा की गुफाएं डाट 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 के निकट स्थित हैं, एलिफेंटा गुफाओं के निकट, अजंता गुफाओं के निकट, बाघ गुफाओं के निकट या सित्तनवाचल की गुफाओं के निकट, किसके निकट स्थित हैं? तो ये तो दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, ये बहुत ही आसान सवाल है और इसी प्रकार आपके पेपर में भी सवाल आएंगे। तो एलोरा आपका अजंता के नज़दीक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण डाट 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 आकारों में बने हैं, ज्यामितीय, प्राकृतिक, अमूर्त या अर्ध अमूर्त? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ज्यामितीय, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ज्यामितीय। आगे देखेंगे, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में डाट 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 राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र? तो जो बीजापुर वाला पूरा पार्ट है वो जो है कर्नाटक, मोस्टली कर्नाटक में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक सही हो जाएगा, ठीक है ना। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था, निम्नलिखित में से उसका नाम बताइए। अब इस सवाल को देख करके एक चीज़ समझ लीजिए कि जितने भी पद्म भूषण और पद्म भूषण मिले हैं कलाकारों को, उनका पूरा लिस्ट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, 2018 का ये पेपर है KBS का और सवाल पूछ लिया 2007 में किसको पद्म भूषण मिला था, इसका मतलब आप पूरा का पूरा लिस्ट याद रखना है, तभी काम आपका बन पाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सोमनाथ होर, ठीक है ना। तो इस प्रकार आज हमने 30+ प्रश्न किए, 31 प्रश्न किए। ये पूरा जो KBS का पेपर है इसको मैं 3 स्मार्ट रिविजन में पूरा कर लूँगा। और अब यहाँ पर फिर आपको वही जानकारी कि अगर आपको संपूर्ण कला की थ्योरी पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए 9616-8276-46 पर, आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। मिलते हैं आज रात 9 बजे लाइव। मैं जो है कल और परसों लाइव नहीं आ पाया था, कल तो खैर संडे था, और कल आज से जो है परमानेंट मैं आपको लाइव मिलूंगा 9 बजे। तो देखना ना भूले, 9 बजे के लाइव में सवाल जवाब होगा, इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछूंगा और लाइव में उसका आंसर भी करूंगा और आप भी आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं, धन्यवाद।